स्वामी जी महाराज, मुझे मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं लकड़ी, मिट्टी, पत्थर और धातु की पूजा नहीं कर सकता। आप क्या कहते हैं? ये तस्वीर किसकी है? यह हमारे महाराज हैं। इस पर थूको। आप में से कोई भी इस पर थूक दीजिए, इसमें क्या बड़ी बात है? ये मात्र एक कागज का टुकड़ा ही तो है, ऐसा करने में आपको क्या आपत्ति हो सकती है? इस पर थूको, मैं कहता हूँ इस पर थूको। क्या स्वामी जी, यह आप मुझसे क्या करने को कह रहे हैं? यह हमारे महाराज की अवमानना है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तब क्या हुआ? परंतु महाराज स्वयं शारीरिक रूप में इस चित्र में थोड़े ही हैं, ये मात्र एक कागज का टुकड़ा है। फिर भी आप सब इस पर थूकने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप इस चित्र में महाराज की छवि देख रहे हैं। इसीलिए चित्र पर थूकते हुए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अपने महाराज का अपमान कर रहे हैं। देखा महाराज, एक तरह से ये चित्र आप नहीं है, किंतु आप यह हैं भी। इसीलिए ये सब इस चित्र को उतने ही सम्मान से देखते हैं जैसे ये आपको देखते हैं। इसी प्रकार जो भक्त भगवान को मूर्ति के रूप में पूजते हैं, उस मूर्ति में भगवान को देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मूर्ति में वो अपना इष्ट दर्शन कर ध्यान रूप से भक्त भगवान संबंध दृढ़ करते हैं। मैंने बहुत भ्रमण किया है, किंतु कहीं भी मुझे एक ऐसा हिंदू नहीं मिला जिसे मैंने मूर्ति पूजा करते हुए ये कहते सुना हो कि ए पत्थर, मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, ए धातु, मुझ पर दया करो। महाराज, सब उस एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं जो सर्व व्यापक व सर्वज्ञानी है, और ईश्वर सबको उनको उनकी प्रवृत्ति व समझ के अनुसार दिखते हैं। दीवान जी, मैं पहले कभी ऐसे महात्मा से नहीं मिला, उन्हें कुछ समय तक अपने पास रहने का आग्रह करें। दो प्रकार के मनुष्यों को मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। एक वो शुतुल्य मनुष्य जो कभी धर्म के बारे में सोचता ही नहीं, और दूसरा वो जो कि इन स्तरों को पार कर जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी अवस्था प्राप्त कर चुका है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच में हम सबको बाहर व भीतर किसी एक महान आदर्श की आवश्यकता होती है। मूर्ति पूजा गलत है, अब ये कहावत बहुत जीर्ण हो चुकी है, फिर भी वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी आपत्ति के उसमें विश्वास भी करने लग गया है। एक समय था जब मैं भी ऐसा ही सोचता था, और इस मिथ्या भाव का अनुभव मुझे उस व्यक्ति के श्रीचरण कमलों में बैठकर सीखने को मिला जिन्हें अपनी सारी दिव्य अनुभूतियां मूर्ति पूजा के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। मेरा संकेत रामकृष्ण परमहंस की ओर है, और यदि मूर्ति पूजा पद्धति के प्रभाव से रामकृष्ण परमहंस जैसे अद्भुत दिव्य मानव प्राप्त होते हैं तो तुम्हें इससे क्या प्राप्त होगा? सुधारक जाति का विकास या मूर्तियों की संख्या में वृद्धि का आंकड़ा? मुझे उत्तर दो। तुम 1000 मूर्तियां और ले लो, यदि उनकी पूजा से तुम्हें रामकृष्ण परमहंस जैसे अद्भुत दिव्य परमहंस प्राप्त होते हैं तो ईश्वर तुम्हें गति प्रदान करे। किसी भी प्रकार से यदि तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ दिव्य प्रकृति स्वरूप सुधारक मिलते हों तो वो पद्धति स्वीकार करो। आश्चर्य, तब भी मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, क्यों? इसका उत्तर कोई नहीं जानता।